एक्सीडेंट हुआ है, इसमें ये कोलकाता राधिकापुर एक्सप्रेस है जो कि ये अप लाइन है जो फरक्का की तरफ जा रही है, इसमें ड्राइवर्स ने, जो लोको पायलट्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने रास्ते में एक ट्रक खड़ा हुआ देखा जिसका कि रियर पोर्शन जो है वो अप लाइन, जिस लाइन में वो थे, और जो उसका आगे वाला पोर्शन था वो डाउन लाइन में था, वो था। तो इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक तुरंत लगाया और लगा करके रुकते रुकते वो उससे ट्रक से डैश किया है। यहाँ पे कोई लेवल क्रॉसिंग, जो रेलवे की क्रॉसिंग होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नहीं है। ये ऊपर नेशनल हाईवे यहाँ से पार हो रहा है और ये गंभीर लापरवाही लगती है ट्रक ड्राइवर के पार्ट पे। ये भी अभी मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि वो कैसे इस पूरे एनवायरनमेंट में कैसे वो यहाँ तक आ गया है, ये भी मैटर ऑफ इंक्वायरी है। लेकिन इस पर हमारे आरपीएफ और लोकल पुलिस की मदद से हम लोग जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। अभी हमारा फोकस, जैसा कि आप पूछ रही थी, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पे है। रेस्क्यू का कोई इशू नहीं है क्योंकि किसी प्रकार की कोई इंजरी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पैसेंजर्स हमारे जो थे, आगे वाले पोर्शन जो ट्रक जहाँ पे था उसके आगे वाले पोर्शंस को मैंने खुद उनसे उनको हम लोगों ने शिफ्ट किया है। जो रियर पोर्शन है, जो अभी आपने देखा कि ऑलरेडी हमने चला दिया है, और वो रियर पोर्शन जो है वो हमारा पोराडंगा यहाँ से अजीमगंज साइड से होते हुए, नल्हाटी होते हुए, उसको हम वापस घुमा करके मालदा, हमारा एकदम फुल स्पीड पे वो जा रहा है। हमारे सीनियर डीसीएम जो हैं मालदा डिवीज़न के, वो अपनी टीम के साथ, पैसेंजर्स के साथ गए हैं ताकि उनको कोई सूचना मिलने में, कोई इन्फॉर्मेशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा उनके लिए रास्ते में जो भी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह, जो भी थोड़ा देर हो जाएगी, तो निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग रिफ़्रेशमेंट्स, पानी वगैरह, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। पहले हमने ये भी प्लान किया था कि अगर एडिशनल कोचेस देने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि कुछ लोग, नहीं ऐसा ना हो कि ओवरक्राउडिंग हो जाए, बट जैसा कि मैंने खुद पर्सनली जाके देखा है, ओवरक्राउडिंग की कोई सिचुएशन नहीं है, सब कम्फर्टेबली बैठे हुए हैं। ऑफकोर्स उनको डिस्टर्ब हुआ है रात में, तो मैंने उसको सबको अपोलोजाइज भी किया है फॉर द प्रॉब्लम कॉज, बट आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादा देर हुए बगैर हम एक रन दे करके उनको टाइमली उनके गंतव्य तक पहुंचा देंगे। इंजन में तार्जनी का काम कार हुआ, इंजन बदलाना, तो इंजन में स्पार्किंग हुई थी। हुआ यह है कि कोई एक बोल्डर भी साथ में ट्रक खींच करके ले आया था, तो एक बोल्डर भी नीचे था, तो वो बोल्डर जो है वो इंजन के लोअर पार्ट से, जो हमारे स्लीपर्स होते हैं जो दोनों रेल को इकट्ठे करते हैं, तो वो स्लीपर्स को तोड़ा है, तो वो स्पार्किंग हुई थी इमीडिएटली, वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके खत्म हो गया था। वो मैं फॉलो कर रहा था, मुझे लगता है कि 5-7 मिनट में ही वो टैकल हो गया था। इंजन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, लॉरी ड्राइवर तो एब्सकॉन्डिंग है, और हम लोगों के पास चालान की कॉपी वगैरह है, और जो ट्रक डिटेल्स हैं उसका मोबाइल नंबर वगैरह है, वो हमने स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस के साथ शेयर कर लिया है। अभी हमारे कमिश्नर आरपीएफ शेयर कर लेंगे, तो इसके बाद उस पर जो फॉलो अप कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी। विचित्र बात यह है कि वो जो लॉरी थी वो स्ट्रेट खड़ी हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि वो आते समय पूरा रोल डाउन करके, टॉपल करके टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, वो खड़ा हुआ था। और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी लापरवाही ज़्यादा है उनके पार्ट पे, अगर वो थोड़ा सूचना देने की कोशिश करते और कुछ रेड लाइट वगैरह अपनी जला करके किसी तरह से सचेत करते तो जो गेट बंद था।